वेलकम गाइस। तो अभी फ़िलहाल बहुत ही कलरफुल आपको दिख रहा है और मैंने भी कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं। तो फ़िलहाल अभी हूँ मैं एक शादी में। पहले तो मैं उनको बहुत ही थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे उनकी फैमिली को बहुत ही थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि मुझे उन्होंने इनवाइट किया और ये मौका मिला कि यहाँ की शादी, यहाँ की ट्रेडिशनल शादी और यहाँ का फूड मैं इंजॉय कर सकूँ। ठंडी काफ़ी है और अभी शुरुआत हो चुकी है। मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके जाता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन हो रही थी, थोड़ा सा आप ओवरव्यू देख लीजिए। तो उनको मैं सही में रिवॉर्ड्स देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे। तभी तो ये फुटेज है पूरे बिफोर द मैरिज प्रिपरेशन चल रही है। कितने सारे काउंटर्स है, बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा खाना। महाराज जी क्या बन रहा है? दूध बना रहे? क्या बात है। ये रबड़ी वाला, लच्छे वाला, केसर वाला, कितना टाइम लगता है? 3-4 घंटे लगेंगे। अरे वाह। तो ये प्रिपरेशन हो रहा है अभी, दूध कढ़ाई वाला, मलाई वाला। फिर से सुबह से लग रहे थे काम पे और अभी बारात थोड़ी देर में आएगी। बैंड बजा बुफे, बहुत सारे काउंटर्स हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा अलग साइड से आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि उस साइड पे लाइक मेन एंट्रेंस पे बहुत ही लाउड म्यूज़िक बज रहा है, तो कॉपीराइट का इश्यू नहीं आना चाहिए। इसलिए वेलकम टू आओ देखो खाओ चैनल और शुरुआत करते हैं आज की शादी वाला। शादी में ज़रूर आना और खाना खा के जाना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलकर वीडियो दिखाया कैसे प्रिपरेशन हो रहा था और कब से प्रिपेयर कर रहे थे, 3-4 घंटे पहले से प्रिपेयर कर रहे थे वो। और मैं अभी हूँ यूपी में, मथुरा के पास, अलीगढ़ के पास, उसके इन बिटवीन हथरस। तो फटाफट काउंटर पहले देख लेते हैं, भीड़ होने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन हो रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पे पॉपकॉर्न काउंटर है छोटे बच्चों के लिए। वाह, दे रहे हो अभी पॉपकॉर्न के लिए 10 मिनट ना? हाँ कोई बात नहीं। ये क्या है? कॉफी। तो कॉफी भी रहेगी, क्या बात है। ये है फ्रूट्स, हल्दी सेक्शन है, ये वाला फ्रूट है, यहाँ पे देख सकते हो आप। चाट मसाला भी रखा है। ये है अंगूर, पपाया, ये फ्रूट सेक्शन पूरा, एप्पल, क्या बात है। इमली भी है खट्टी मीठी, देख सकते हो, क्या बात है। मतलब शादियों यहाँ पे ना खाने के बहुत शौकीन हैं। ये है ककुम्बर, ये है ब्लैक ग्रेप्स, मैं थोड़ा सा एक ब्लैक ग्रेप लेता हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला। और अंगूर से शुरुआत करते हैं, मैं लंगूर नहीं हूँ लेकिन अंगूर खा रहा हूँ। वाओ, और क्या बात है। ये कीवी, फिर छोटी सी कीवी भी ले लेता हूँ। ये है अमूल का आइसक्रीम और ये है पूरा चाट सेक्शन। दैट्स क्या बोले, पड़ाके, मतलब क्या होता है, पानी पड़ा, ओके, गोल गप्पे, यहाँ पे पड़ाके बोलते हैं। हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग होती है। ये है बास्केट चाट, ये है नमकीन उसमें डालने के लिए। हेलो, ये गोल गप्पे लुक्स लाइक अ डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। ये क्या लिया आपने? दाल कचौड़ी, क्या बात है। ये कचौड़ी, ये चाट सेक्शन है यहाँ पे। ये पाव भाजी बन रही है और लोग इंजॉय, लाइक इंजॉइंग एवरीथिंग वेरी नाइस। सब बिजी अपने खाने में। चाचा यहाँ पे, ये टिक्की है, क्या बात है, टिक्की है। वहाँ पे चाइनीज सेक्शन, चाउमीन, चाउमीन लोग काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ पे गर्मा गर्म टिक्की बन रही है अभी। वाओ, टिक्की चाट, ये पूरा चाट सेक्शन है यहाँ पे। फ्रेंकी बना रहे हैं आप? ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी। वाओ, उसमें कैश्यू भी डाला हुआ है, कैश्यू और थोड़ा सा पीनट और द्राक्ष लग रहा है मुझे। ये टिक्की वाली चटनी, ये क्या बन रहा है भैया? चीला, ओके, मूंग दाल का, मूंग दाल का चीला। मुझे पंडित जी की याद आ गई, जयपुर में मैंने खाया था। यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये आलू चाट, वेरी नाइस। लेट्स, बहुत सारे काउंटर्स है। लेट्स गर्मा गर्म, ये क्या है, रबड़े, दाल पकवान, दाल पकवान, दाल पकवान, बोलिए दाल पकवान है या दाल पकवान है सर? ये मुझे तो रबड़ी लगी पहले। देखिए सर, रबड़ी नहीं है, ये दाल पकवान है। मुझे क्या ट्राई करना चाहिए, सबसे बढ़िया क्या मिलता है यहाँ पे? सबसे अच्छा आपको आई थिंक
मैंने मतलब जितना खाया है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। क्या क्या खाया अभी तक आपने? अभी तक मैंने पानी के बतासे खाए, पानी के बतासे, वाओ। और आपका ये पनीर खाया, पनीर खाया, और आपका टिक्की खाया। तो क्या अच्छा आलू का बक्का भल्ला, भल्ला क्या अच्छा लगा उसमें से? और मैंने कटोरी चाट खाई, आप कटोरी चाट ट्राई कीजिए। वाओ, वो तो मेरी भी फेवरेट है, डेफिनेटली ट्राई करूंगा मैं, डेफिनेटली ट्राई करूंगा। तो अभी तो आधे ही जगह पे। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत। प्रशांत जी, और ये भी गेस्ट है यहाँ पे। That's another things. Let's jump with that. ये है लहसुन की चटनी, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये पनीर कोफ्ता है क्या? अंडा पनीर। हाँ, अंडा पनीर। अंडा पनीर, ओके। वेज में है? ओके, ये वेज है लेकिन अंडा पनीर। ओके, अबाउट द वेज फूड, दैट्स गर्मा गर्म कुछ तो यहाँ पे डोसा प्रिपरेशन हो रहा है। वाओ, एक एक काउंटर इतने अच्छे से प्रिपरेशन हो रहे हैं, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से। ये क्या है? ये जमरूक काट रहे हो? ये है अमरूद आइसक्रीम। सिर्फ घूम ही रहा हूँ, पहले तो देख लेता हूँ क्या क्या मेनू में है, उसके बाद आराम से बैठ के खाएंगे। आपके पास क्या है? रसमलाई। क्या बात है, देखिए ये रसमलाई अंगूर वाली, वाइट वाली रसगुल्ला, ये काजू वाली, ये काजू कसाटा, ये बर्फी। मतलब देख सकते हो वहाँ से शुरू हो रहा है पूरा स्वीट सेक्शन, ये पूरा स्वीट सेक्शन है, वो पूरा देख सकते हो वहाँ पे चाट सेक्शन है, टिक्की से लेके डोसा से लेके दाल पकवान से लेके चाउमीन से लेके यहाँ तक पूरा मिठाई है, मतलब लॉट्स ऑफ वैरायटीज। ये गर्मा गर्म कुछ तो हलवा लग रहा है, कौन सा हलवा है? अदरक का, अदरक का हलवा, अदरक का ठंडी स्पेशल, ठंडी स्पेशल आपका भी फेवरेट है भैया, अदरक का हलवा। ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, सभी को खाना देते हैं। आप क्या लगा रहे हो? मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, हाँ, जो भी वो भी काफी फेमस है यहाँ पे। ये घी लबालब ऊपर लगा हुआ है, घी लबालब। इंटरेस्ट लगा वो जिंजर वाली मिठाई में, ये लग रहा है मुझे रायता। हाँ, ये कौन से? ओ हो, ये बंद आलू, दम आलू। ओ हो, लुक लुक लुक, दाल मखनी। अरे वाह, क्या बात है, मेरी फेवरेट दाल मखनी। ये है गोभी की, गोभी आलू की सब्जी, मिक्स वेजिटेबल। बहुत यार, बहुत मुंह में पानी आ रहा है जितना बात कर रहा हूँ, अभी तो काउंटर लग ही रहा है। ये है पनीर की सब्जी, शाही पनीर। ये लगने वाला है, ओ हो, कड़ी पकौड़ा, पालक पनीर, मेरा और पसंदीदा खाना, बहुत ही अच्छा। छोले की सब्जी, क्या बात है। ये देखो ऊपर रोगन जो गर्मा गर्म अभी चल रहा है, और ये देखो यार चावल जो काजू डला हुआ है, मटर डला हुआ है, पुलाव, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और अभी शुरू हो चुकी है, टेबल लग चुका है, आपने भी लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है और सब्सक्राइब कर दिया है। शुरुआत कहाँ से करें। और ये वाला जो सेक्शन है पूरा लाइव तंदूर है, पराठा लगा हुआ है, देखो ये पूरा लाइव तंदूर यहाँ पे लगा हुआ है, पराठा और नान बनेगा यहाँ पे, गर्मा गर्म रोटी बनने वाली है। ये क्या बनने वाला है यहाँ पे? ये दाल फ्राई दाल तड़का, यहाँ पे दाल फ्राई दाल तड़का। और ये देखो कुछ सिजलर्स लग रहे हैं मुझे, और शादी चल रही है, मेहमान सब बैठ रहे हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। श्याम पहलवान जी, इनको क्रेडिट जाता है ये पूरा दूध सजाने के लिए। तो मैं शुरुआत इनसे ही करूँगा, ये कुल्लड़ वाला दूध है, वाओ क्या डेकोरेशन है। थोड़ी सी लाइट की कमी हो सकती है। तो ये है छोले टिक्की चाट, कटोरी बास्केट चाट, छोटी सी है कुल्लड़, बहुत ही प्यारी कुल्लड़ है, गर्मा गर्म टिक्की, वाओ बहुत ही क्रंची है, कटोरी बास्केट चाट। इसको लुक, यहाँ के चाट की बात तो क्या है, डेफिनेटली हर सिटी में चाट अच्छा मिलता ही है, शादियों में भी इतना अच्छा क्वालिटी का चाट। तो भाई ये गर्मा गर्म पनीर की कुछ आइटम है, जो बोले थे अंडा पनीर, बड़ो सेप में है, बट खाना पूरा वेज है, उसमें ग्रीन चिली डाली हुई है और ऊपर लहसुन की चटनी। ये मूंग दाल पनीर का चीला, और ये है दाल पकवान, वाओ गर्मा गर्म।
ऊपर से घी डाला हुआ है, ये है पनीर का गर्मा गर्म बन रहा था। बहुत ही सॉफ्ट है, खाते ही मेल्ट हो गया। अंदर दूल्हे राजा वेट कर रहे हैं अपनी दुल्हन का और मैं वेट कर रहा हूँ अपने खाने का, तो बने रहिए, अभी स्किप मत करना, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करूँगा। ये है मूंग दाल का पनीर चिल्ला, छोटा छोटा बन रहा है, उन्हें देख रहे हो छोटा छोटा पनीर है और ग्रीन चिली है। जयपुर में खाया था पंडित जी के हाथ के मूंग दाल के चिले, पानी पूरी बोलते हैं, कोई गोलगप्पा बोलता है, कोई पानी पतासे बोलता है, कोई पुचका बोलता है, लेकिन हम तो सिर्फ खाना बोलते हैं। क्या पसंद आया आपको, क्या पसंद आया सबसे बढ़िया? चाउमीन, चाउमीन बहुत पसंद आई। बढ़िया खाना, एकदम बढ़िया खाना, बढ़िया था, अरे गजब, बहुत बढ़िया। मेन कोर्स की बारी है अभी, और मुझे जो पसंद है और मुझे कुछ डिफरेंट जो लगा वो मैं ट्राई करूंगा, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं ट्राई कर पाऊंगा। ये है शाही पनीर, पनीर के टुकड़े देखे कितने बड़े बड़े हैं, बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा है। ये है दाल मक्खनी जो बहुत अच्छी दिख रही है, थोड़ा सा लाइट की कमी है। ये है शाही पनीर, वाकई सॉरी, ये है पालक पनीर, ये गर्मा गर्म रोटी, ऊपर घी लगाया हुआ, थोड़ा सा राइस और ये कुछ सलाद सेक्शन है। और भीड़ अभी बढ़ती जा रही है, लोग खाना खा रहे हैं। ये पूरा सेक्शन मेरा बाकी है, जो मेरा सबसे फेवरेट है, स्वीट सेक्शन। दाल मक्खनी में ऐसा ही खाना पसंद करूँगा, देख सकते हो दाल मक्खनी, मक्खनी है पूरा। वहाँ से मैं जा रहा था ना, तो पूरा क्रीमी क्रीमी मक्खन वाला, उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। वाह, बहुत ही बटेरी है, बहुत मलाईदार है यार। इतना बड़ा ये पालक, ये पनीर का टुकड़ा है। लेट्स टेक अ बिग बाइट विद पालक पनीर। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मलाईदार पनीर, बहुत ही बिग बाइट था भाई। खाना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अभी बारी है मेरे फेवरेट पार्ट की, स्वीट मिठाई की बारी है, तो मिठाई बहुत ही अलग अलग देख सकते हो। ये है जलेबी विद रबड़ी, ये है जिंजर वाली स्वीट जो मैं ट्राई करूंगा, ये है अमृत वाला, मावा वाला कुछ अमृत, मुझे पहले आइसक्रीम लगी। ये है मूंग दाल का हलवा और ये है रबड़ी जो सर्दियों वाला रहता है ना, गूंद वगैरह वो डाला हुआ है। ओ वाह, कैशू के इतने बड़े बड़े पीस और जिंजर की, अपना एक टेस्ट, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद कुछ नया खा रहा हूँ। ये अमृत वाला एक मिठाई, थोड़ी सी स्वीट है, बाहर खोया वाला एक मलाईदार लग रहा है, जो मुझे सबसे पसंद है, जलेबी विद रबड़ी। ओहो, शादी के मजा लेते हैं हम लोग, देखते हैं, वेट करते हैं, दूल्हा दुल्हन सुखी रहे, खुश रहे, आप सभी उनको प्यार दें, आशीर्वाद दें। इसके साथ में ये टूर का, इस शादी भरा खूबसूरत सा माहौल का एंड करता हूँ, और वेट करता हूँ दूल्हा और दुल्हन की वरमाला सेलिब्रेशन का। शादी मुबारक।